कॉन्सेप्ट ऑफ कैट एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल कट के बारे में बताऊंगा। तो चलिएगा, ये शीट मेटल का है, आपका नॉर्मल कट किस तरह से करते हैं, ठीक है, और एक्सट्रूड कट और नॉर्मल कट में डिफरेंस क्या हो जाता है वो भी चीज़ दिखाएंगे आपको, ठीक। कोई प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने यहाँ टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसे शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी बेस में। इसकी थिकनेस अभी मैं ज़्यादा रख रहा हूँ, 13 mm का रख रहा हूँ, जिससे मुझे डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है, 13 mm की थिकनेस पे। अब यहाँ मैं एक स्केच करूँगा, लाइन ड्रॉ करूँगा। एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आपका शीट मेटल में है जॉब कमांड, जो मैं पहले बता चुका हूँ। एक फेस को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, दूसरे को सिलेक्ट कर। अब इसमें मैं क्या करूँगा, रेडियस को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, ओके करता हूँ। एक तरह से शीट आपकी तैयार हो गई मान लीजिए। अब इसमें मैं एक्सट्रूड कट लगाता हूँ, ठीक है, इसके फेस पे स्केच कर लेंगे। यहाँ मैंने सेंटर पे करते हैं, सेंटर पे करेंगे ज़्यादा क्लियर रहेगा। इस तरह से ओके कर देते हैं। अभी सीधा सा आपको दिखाते हैं एक्सट्रूड कट, ठीक है। शीट मेटल में आप चलते हैं एक्सट्रूड कट। आपको मैंने बताया था लिंक टू थिकनेस, फ्लिप साइड टू कट एंड नॉर्मल कट। एक्सट्रूड कट में भी नॉर्मल कट है। जब हम एक्सट्रूड कट कर रहे होंगे तब भी हम नॉर्मल कट टिक कर देंगे तो नॉर्मल कट हमारा होगा। बट अभी हम दिखाते हैं एक्सट्रूड कट में लिंक टू थिकनेस जैसे सीधा है, सिंपल सा है, क्या होता है, ठीक है। थ्रू ऑल कर देते हैं, कट कर दिया हमने, ये कट तो हो गया। बट आपको यहां मैं अभी दिखाता हूं, फ्लैटन करता हूं तो जो ये बेंड एरिया था ना, वहां इनक्लाइन टेपर कट हुआ है। अब जब फ्लैटन करते हैं तब देखते हैं, इस साइड में देखिए, यहाँ ये टेपर कट हुआ है, नॉर्मल कट नहीं हुआ है, ये देखिए, फ्लैटन करने पे तब पता चलता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास अनफ्लैटन कर देते हैं, ठीक है। एक यहां से नॉर्मल कट कर सकते हैं, नॉर्मल कट पे गए, ये सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर सिलेक्ट करके यहां ओके कर देते हैं। अब फ्लैटन करेंगे, अब देखिए नॉर्मल कट हो गया, अब ये नॉर्मल कट हो गया है, ये सारे फेस इक्वल हैं, ठीक है, सारे फेस आपके इक्वल हैं, ये देख सकते हैं, ओके। दूसरा, जब आप कट कर रहे हो, चलते हैं वापस चलते हैं एक्सट्रूड कट पे, शीट मेटल, ठीक है, एक्सट्रूड कट, और यहां नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल कट करेंगे, ओके कर देंगे। अब भी आपका ये जो कटेगा
जो कट लगा है आपका नॉर्मल रहेगा, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, इक्वल फेसेस हैं सारे, तो ये आपका नॉर्मल कट और शॉर्ट कट में डिफरेंस भी हो गया, और कैसे हम कट को अप्लाई करते हैं वो भी क्लियर हो। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।